ओके जी, सो आई गेस मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और उसके बाद जो है हम आज का जो अपना प्रॉपर लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे. मेरा नाम अफान है, फाउंडर ऑफ AQ वर्स, एंड टू गिव माई हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माई पीपल, टू माई सोसाइटी, आई ऑल्सो वर्क एज अ मेंटोर इन AQ वर्स. आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं. सो आप लोगों के सामने स्क्रीन जो है उस पर आप देख सकते हैं कि ये 8 से 9 क्वेश्चन है. कुछ ये FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं. तो हम इनको वन बाय वन इन तमाम सवालों को भी देखेंगे, और उसके अलावा कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सब करवाने का पर्पज़ है क्या, और किस तरीके से जो है वो हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे. एंड जो मेरी थोड़ी बहुत स्टोरी है वो भी साथ साथ ही चलती रहेगी. सो बेसिकली इस लेक्चर का पर्पज़ ये होता है कि हम इसके अंदर डिस्कस ये करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है. आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं, और कुछ यहाँ पर भी मौजूद हैं, बाकी जो आपके माइंड में, फिर वो आप मजीद इनबॉक्स में पूछेंगे तो मैं उनका भी जवाब आपको दे दूंगा, एंड हम वो चीज़ भी देख लेंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आप में से, वो PL के होंगे, शायद प्राइवेट लेवल के होंगे, तो उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि जी क्या हम PL को ही कंटिन्यू रखें या फिर हम होलसेल स्टार्ट कर दें. ठीक है, PL हमारे लिए ठीक रहेगा या फिर हमारे लिए होलसेल ठीक रहेगा. सो इस तरफ आने से पहले और उसके बाद जो है वो ये कि स्टूडेंट जो है वो क्यों नाकाम हो जाते हैं, कितनी सैलरी है, कितना आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किससे आप अवेल कर सकते हैं. अर्निंग के 3 से 4 तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ होलसेल मॉडल के अंदर ही 3 से 4 तरीके हैं अर्निंग के, जिनको मैं अभी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा. और उसके बाद ये है कि इस ये जो इंटर्नशिप है, टाइम पीरियड कितना होगा, कोर्स से किस तरह डिफरेंट होती है, और क्या आपको जॉब ऑफर की जाएगी इस इंटर्नशिप के बाद, क्या आपको जॉब मिल सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे. और सबसे बढ़कर ये कि ये फ्री में क्यों है. तो अगर मैं आपको पहले यहाँ पर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ, मैंने तकरीबन 2019 में PL से ही स्टार्ट लिया था. अमेजोन का जर्नी स्टार्ट हुआ, और उसमें जो रहा वो आगे चलकर मैं आपको पूरी स्टोरी बताने भी वाला हूँ. वैसे तो अभी मुख्तसर सब बताता हूँ कि एक लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस सेंस में हो गई, कामयाबी तो नहीं मिली PL के अंदर, कामयाबी नहीं मिली, वो एक बड़ा लंबा सफ़र रहा, लेकिन ये समझ में आ गया कि सीखना क्या है और आगे लोगों को गाइड किस तरीके से करना है. ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, जो पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है अपनी, वो मैं एंड में आपको बताने लगा हूँ कि, और वो सिर्फ इसलिए कि उससे एक तो आपको मोटिवेशन आनी चाहिए, दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर जो आपको लाजमी आपके माइंड में होनी चाहिए, और फिर एक डायरेक्शन जो है आपको वो लाजमी मिलेगी उससे. सो अब हम यहाँ पर वन बाय वन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि PL या होलसेल आपको क्या चूज करना चाहिए. तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका एक क्लियर जवाब है, आपको होलसेल करना चाहिए. ठीक है, अब अगर आपके माइंड में यह है कि सर क्यों करना चाहिए, होलसेल क्यों करना चाहिए, PL क्यों बेटर नहीं है. अच्छा देखिए, मैं पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अमेजोन के ऊपर हम ये नहीं देखेंगे कि जी PL बेटर है या होलसेल बेटर है या आर्बिट्राज बेटर है या फिर ड्रॉप शिपिंग से. ड्रॉप शिपिंग अब तो डेड है, लेकिन चलें ड्रॉप शिपिंग की हम बात करें तो कौन सा बेटर है. देखें, आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि मॉडल कोई भी है वो आपके लिए बेस्ट कब बनेगा. ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमने जब अमेज़ॉन स्टार्ट किया, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप लोग हैं, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग पुराने भी हों, कुछ लोगों का अभी ये सफ़र स्टार्ट हो रहा हो, तो आखिर करने का पर्पस क्या है हमारा. हमारा पर्पस अर्निंग है. ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लें इस चीज़ को. हमारा पर्पस क्या है कि हमने इस चीज़ से कमाना है. अब फिर यहाँ पर दो तरीके आते हैं कमाने के, जी कमाएंगे किस तरीके से. तो कमाने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें लाखों रुपए की, जिसके अंदर रिस्क भी होता है, हर चीज़ होती है. ठीक है, और वो ऑब्वियसली आपने नहीं करनी होती है, जितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए वो आप लोग नहीं कर सकेंगे और ना ही करना चाहिए. ठीक है, मैं बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें, अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे स्टार्ट करें, तो उस ऑप्शन को तो हम साइड पर कर देते हैं. फिर यहाँ पर सवाल भी होता है कि जी अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो फिर हम किस तरीके से इस पर अर्निंग करेंगे. तो फिर आप अर्निंग करते हैं क्लाइंट के थ्रू, आपको क्लाइंट मिलता है, वो क्लाइंट आपको पे करता है. अब यहाँ पर मसला ये आता है, PL के अंदर जो मसला आता है वो ये कि मार्केट के अंदर क्लाइंट मौजूद ही नहीं है. ठीक है, मार्केट के अंदर कोई क्लाइंट नहीं है. ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक दुकान खोलकर बैठ गए, लेकिन अगर वो कस्टमर ही आपके पास नहीं आ रहे जिनको आपने चीज़ बेचनी है, तो फिर क्या फ़ायदा उस दुकान का. तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, PL के अंदर क्लाइंट नहीं है. आप कहेंगे सर लेकिन हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा जो कामयाब है. आपने उनको देखा जो कामयाब है, आप उनकी रेशो देखें जो नाकाम है. मतलब अगर 1,000 में से या 10,000 में से अगर एक बंदा एक एक उसमें अंदर कामयाब हो रहा है, ठीक है PL के अंदर कामयाब हो, तो क्या वो कामयाब कहलाएगा मॉडल, क्या वो हमारे लिए कामयाब हो जाएगा. देखो PL के साथ हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, या ड्रॉप शिपिंग के साथ या आर्बिट्राज के साथ या होलसेल के साथ, ना तो लगाव है ना कोई दुश्मनी है, समझ रहे ना. सारे बिजनेस मॉडल हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने तो ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है. ठीक है, तो PL जो है मैं सख्ती से मना करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि आपने सीखना है इसको, लेकिन बाद में कहीं जाकर, अभी नहीं. आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने होलसेल से स्टार्ट
लेना है होलसेल, वन ऑफ द टॉप मॉडल है, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं और क्लाइंट हैं, ठीक है। मेरे जो अपनी सक्सेस है वो भी होलसेल के अंदर ही है। अगेन मुझे पीएल भी आता है, स्टार्ट मैंने पीएल से किया था, तकरीबन 7 से 8 महीने मैंने सिर्फ पीएल को ही दिए थे, ठीक है, क्लाइंट नहीं है। ये तो हम बात जो कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पर है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो रहा बड़ा हार्श किस्म का एक्सपीरियंस रहा है, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सो होलसेल है, आप अभी से एक चीज़ क्लियर कर लें, अपना माइंड बना लें, कहीं से भी आपने चाहे ये जो इंटर्नशिप है इसके बाद भी आप लोग कहीं से भी सीख रहे हैं, कुछ भी नॉलेज कर रहे हैं, एक डायरेक्शन रखकर चलेंगे तो कामयाब होंगे इस फील्ड के अंदर। वो डायरेक्शन आपको क्या होना चाहिए वो होलसेल है, बाकी जहन से निकाल दें। आपने कर रखा है पीएल, नहीं कर रखा है उस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। कर रखा है तो अच्छी बात है, वो चीज़ आपके काम आ जाएगी, नहीं कर रखा तो और ज़्यादा अच्छी बात है, अब आपका एक तरफ ही फोकस रहेगा। और अब अगर आपके माइंड में ये चीज़ है, बेसिकली मैं आपको अगर इसी सवाल का जवाब दे दूँ कि जी अगर आप ये इंटर्नशिप, नंबर 5 क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको कि क्या आप इंटर्नशिप करते हैं अगर आपका पीएल का बैकग्राउंड हो तो, यस। इसका आंसर सिंपल ये है कि यस आप 100% कर सकते हैं, बल्कि ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल इस सेंस में रहेगी कि बहुत सारे टर्म्स का तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि पीएल और होलसेल डिफरेंट मॉडल्स हैं बिल्कुल, और इसमें हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन ज़ाहिर कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो ये आपकी हेल्प करेगी। और इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें कि सर पीएल हमने कर रखा है तो आप क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है, पीएल आपने कर रखा हो आपको हेल्प भी देगा, अब नहीं तो इन फ्यूचर भी देगा, ठीक है। और जब आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ आते हैं तो फिर तो आप कुछ भी ऑफर कर सकते हैं उनको, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये नहीं कि आपका पीएल जाया हो जाएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए आपको उसको साइड पर रखना पड़ेगा अपनी बेटरमेंट के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जी स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर नाकाम क्यों है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आउट ऑफ 10,000 शायद मुश्किल से 10-20 स्टूडेंट जो है वो कामयाब होते हैं इस फील्ड के अंदर, 90% जो है वो नाकाम ही रहते हैं। अब उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह इदारे हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी वजह है वो इदारे हैं, ठीक है। कौन से इदारे? जो कि कोर्स करवा रहे हैं, और मेरा जो इख्तलाफ है वो कोर्स के साथ नहीं है, ठीक है। हमारा अपना भी AQBus की तरफ से भी जो है कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस के ऊपर, ठीक है। मुझे पेड से भी मसला नहीं है, मैंने जो कोर्सेज किए लाइक मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, शॉपिफाई का कोर्स किया, अमेजोन का कोर्स किया। अगर मैं आपको सिर्फ इसकी एक कलेक्टिव अमाउंट बताऊं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए मैंने जहां से सीखा है, जिन लोगों से सीखा है, बड़े टॉप के लोग थे, उनको पे किए, ठीक है। 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ कोर्सेज के अंदर पे किए, और सिर्फ मेरा जो पैसा ज़ाया हुआ था वो पीएल में ही हुआ था, यानी कि जो अमेजोन का कोर्स है इसके अंदर जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी काइंड ऑफ स्मॉल लगा वो ज़ाया हो गई थी। और उसके बाद लेकिन अगेन वही बात है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपने सीखना किस तरह है, तो फिर उसके बाद जो मैंने कोर्सेज किए लाइक मैंने जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था कोडिंग का, बेसिकली वो 70,000 का था, उसके लिए 70-75,000 उसमें लग गए थे। कुछ चीज़ें आपको और भी बाय करनी पड़ती हैं, वेबसाइट वगैरह, ठीक है, डोमेन होस्टिंग वगैरह। तो लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हुई, मतलब डबल ट्रिपल कमाया, और अब तक जो अर्निंग है ज़ाहिर वो चल ही रहा है, उसके थ्रू ही कमा रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट सिर्फ इतना है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पे करके सीखने में मसला नहीं होता। मेरा जो इख्तलाफ है बाकी सब लोगों के साथ, और जो मेरी एक काइंड ऑफ अक्सर बहस भी होती रहती है लोगों के साथ, वो इस लेवल की है कि जी आप लोग पैसे लेते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, उनको कंटेंट डिलीवर नहीं करते। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप उनसे 40,000, 45,000, 50,000 रुपये आपने उनसे ले लिए, उनसे इतना पैसा आप ले रहे हैं, वो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पूरा करके दे रहे होते हैं पैसा, ठीक है। आप उनको सिखाते ही नहीं आगे से, ना उनका कोई हैंड्स ऑन होता है, ना उनका कोई प्रैक्टिकल होता है, ना उनको बात करनी आती है, ना उनकी कोई टीम बनाते हैं, ना कोई पोर्टफोलियो, कुछ भी उनके पास नहीं होता। आप उनको सिखा दें जी हंटिंग क्राइटेरिया आपने सिखा दिया उनको, ठीक है, 2-4 बेसिक टर्म्स आपने सिखा दिए, उसके बाद कहते हैं चलो अब जाओ बस करो खुद। कौन इस तरह कौन कामयाब होगा? एक बंदा जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर होता है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अगर एक बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती, पहली बात तो है कि आप उसको ख्वाब दिखा क्यों रहे हैं, आप फिर उसको ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं कि जी आप 2 महीने के अंदर अर्निंग कर लेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे और आप ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। या तो ये झूठ बोलना बंद करो, ठीक है, या फिर उनको सही से डायरेक्शन दो। अब यहाँ पर देखें, हम किसी के पोटेंशियल को जज नहीं कर सकते, लाइक इस वक्त जो मेरे सामने आप लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि सारे के सारे बहुत टैलेंटेड हों, बहुत काम करने वाले हों, ठीक है। बल्कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जितने स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वाकई बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो ज़रूरत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की है, सही डायरेक्शन है। अब मेंटोर को, एक मेंटोर को पता है, जितने भी ये लोग पीएल करवा रहे हैं इनको पता है, इनका 100% इस बात का पता होता है कि जी लोगों को नहीं मिलेगी इस अंदर कामयाबी, क्लाइंट नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि हैंड्स ऑन भी नहीं है, अकाउंट भी नहीं हैंडल करवा रखा, कुछ भी नहीं है ना उनके पास, प्रोडक्ट से थोड़ी क्लाइंट मिलता है, ठीक है। 30-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कोई आपके ऊपर क्यों कर देगा, ठीक है। आप उनको होलसेल करवाओ यार, आप उनको सही डायरेक्शन दो, आप उनको बताओ, उनको कॉन्टेंट दो। सबसे बढ़कर अपील राइटिंग क्या होती है? आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपील लिखी है, उनको अपील लिखनी आती है?
आपने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है, डिटेल में आपको बताया कि सस्पेंशन कोई भी किस तरह की सस्पेंशन आती है और वो क्यों आती है, ठीक है। अच्छा ये नहीं, जो मैं उनसे आई नो को हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हों जिनको एडवांस को पता हो, लेकिन मैं वो बात करूँ कि क्या आपको एक कोर्स में करवाया गया है। एक होता है कि आपने खुद से इन चीज़ों को सीखा है, खुद से की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों को आपने 40,000 45,000 50,000 रुपये पे किए, क्या उन्होंने आपको ये चीज़ें करवाई हैं, क्या अकाउंट हैंडल किया आप लोगों ने? आपको पता है सॉफ्ट अप्रूवल हार्ड अप्रूवल क्या है, गेटेड अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती है, ब्रांड को कॉलिंग करना क्या होता है, क्या आप लोगों ने प्रैक्टिकल कर रखा है? वेब मेल का क्या यूज होता है, वेबसाइट का यूज क्या होता है, कब यूज की जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, तो मतलब ये तमाम चीज़ें आपको पता है, ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने कर रखे हैं, कुछ भी नहीं कर रखा होगा, हंटिंग क्राइटेरिया बस वो रटवा रखा होगा आपको, ठीक है। सो पॉइंट ये मेरा जो अख्तिलाफ है वो यहाँ पर है, पे करना मसला नहीं है, जाहिर है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हर जगह पे कर रहे होते हैं, तो अगर एक स्किल आप सीख रहे हैं उसके लिए आप पे कर रहे हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टेंट आपको कितना दिया जा रहा है। सो हम बात कर रहे थे कि जिस फ्रेंड की नाकामी की वजह क्या है, तो यही वजह है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और आपके पास जब नॉलेज नहीं होता तो आप बोल नहीं सकते। कॉन्फिडेंस जो आपके पास आता है वो कहाँ से आता है, जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आपको पता है कि मुझसे जो बात की जा रही है, जो मुझसे पूछा जा रहा है, वो 100% मुझे पता है कि इसका जवाब ये बनता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो इंप्रूव होती है। लेकिन अगर एक बंदा है, इवन कि अगर वो बंदा मैं भी हूँ, ठीक है, लाइक मैं भी आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं, लाइक कोई भी एक ऐसी स्किल है, ठीक है, जैसे किस की बात, लाइक SEO की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिलहाल मुझे SEO का आइडिया नहीं है, ठीक है, अब आप मुझे पूछेंगे सर SEO में ये काम किस तरीके से होगा, तो क्या मैं आपको उसका जवाब दे पाऊंगा? मैं नहीं दे पाऊंगा। या अगर मुझे थोड़ा बहुत उस चीज़ का नॉलेज है, ठीक है, तो क्या मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ? मैं नहीं दे, मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास अथेंटिक नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो अगला बंदा जब आपसे सवाल करता है, आपको जब हैंड्स ऑन नहीं है, जब आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप आगे से जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, और आपके अंदर फिर वहां पर वो कॉन्फिडेंस काम नहीं आता आपके, वहां पर आपका नॉलेज आपके काम आ रहा होता है। सो ये इस फ्रंट की नाकामी की वजह है, वो क्लाइंट के सामने बोल ही नहीं पाते, क्लाइंट मिल भी जाते हैं, मेरे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आई हैं, और बहुत सारे लोग मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि ड्यूरिंग वो कोर्स भी और इंटर्नशिप भी आ जाते हैं कि सर ये हमारे पास क्लाइंट तो आ गया, अब आप डील करवा दें। मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा देखो, मुझे डील करवाने में मसला नहीं है, ठीक है, मैं क्लाइंट के साथ बात करूंगा, क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, लेकिन क्या आप लोग उसके बाद का काम कर लोगे, क्या आप लोग उसके बाद का काम कर सकते हो? आपके पास तमाम चीज़ें हैं, वो नॉलेज है आपके, आपको सही तरीके आते हैं, हंटिंग के, अकाउंट हैंडलिंग के, अकाउंट मैनेजमेंट के, कस्टमर डीलिंग के, वो तमाम चीज़ें आपको आती हैं, सिर्फ क्लाइंट लेना तो काफ़ी नहीं है। देखो क्लाइंट तो 2 महीने, अगर वो क्लाइंट आ भी जाएगा, जब उसको लगेगा पता है इस बात को, उसको आइडिया होगा आपको कुछ नहीं आता, तो चला जाएगा छोड़कर, तो क्या वो चीज़ आपके पास है? सो प्रैक्टिकल लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट जो है वो नाकाम होते हैं। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जी हाउ मच यू कैन अर्न, आप कितना कमा सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा, आई थिंक बातें ज़्यादा हो गई थोड़ी सी दूसरे सवाल के ऊपर, कितना आप कमा सकते हैं, तो आप जो है, मैं अगर आप यहाँ पर अपनी सैलरी बताऊँ, तो मैंने जो पहली अर्निंग थी मेरी वो $250 थी, ठीक है, $250 थी, और हमारा जो उसका एग्रीमेंट था वो ये कहती हम 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स हम इसको $300 कर देंगे, जो कि ऑब्वियसली हमने लिया भी था, तो ये इतनी सैलरी होती है। इसके अलावा होलसेल के अंदर, मैं अगेन बात, मैं सिर्फ होलसेल की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है, अब से जितनी बात हम करेंगे वो होलसेल को ही कंसिडर करते हुए हम करेंगे, और इसमें 3 से 4 तरीके होते हैं अर्निंग के सिर्फ होलसेल के अंदर, ठीक है। अब वो तरीका क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट व्यू देता हूँ उसका, और उसके बाद मैं इनडेप्थ आपको, वैसे उसकी जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी भी आपको मिल भी जाएंगी मेरी, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। देखिए 3 तरीके बेसिकली होते हैं होलसेल के अंदर कमाने के, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कराऊँ, 3 तरीके हैं होलसेल के अंदर कमाने के, जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं है, बल्कि 3 नहीं 4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहला तरीका होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट सेलिंग का। अब आपके पास एक क्लाइंट तो नहीं है, आप इस मार्केट में प्रोडक्ट सेलिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे, उसकी शीट को स्कैन करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट होगी, और वो प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। एक जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो होती है $100 से लेकर $250 तक की होती है। एक ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, उसकी जो डिमांड होती है वो तकरीबन $250 होती है। एक एक प्रोडक्ट की बात करूँ, एक ब्रांड की, एक प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होती है, और जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो होती है $100 से लेकर 120। अगेन मैं यहाँ पर एक चीज़ रिपीट कर दूँ, क्लियर कर दूँ एक चीज़ आपको, कि ये जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ ना, ये फ्लक्चुएट होती है और ये डिपेंड करती है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट कितना है।
ठीक है, ये अगेन हम आगे जाकर जब इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, अगर आपको अभी क्लियर नहीं भी हो पा रहा है। सो पॉइंट ये कि प्रोडक्ट सेलिंग एक तरीका होता है, इसके अलावा जो है आप वेयर हाउस के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लाइक आप बल्क में इन्वेंट्री बाय करें, और हो सकता है कि आपने अक्सर देखा भी हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो क्या होता है कि यहाँ इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इन्वेंट्री सेलिंग जो है वो भी एक तरीका है इसमें अर्निंग का, ठीक है। अगेन ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साथ साथ इसी इंटर्नशिप में कि किस तरीके से ये चीज़ें होती क्या हैं। अच्छा, एक और जो दो तरीका हो गया, तीसरा तरीका है जो कि 100% जो कि ऑब्वियसली मेरा अपना भी है, मतलब मैं खुद भी कर रहा हूँ वो चीज़, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जितना पैसा है आप लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ये इस वक्त टॉप का, क्योंकि और ये वो स्किल है जो आपको आगे जाकर भी फायदा देगी, और होलसेल करना तो ये आपको 100% देगी, क्योंकि होलसेल की ये रिक्वायरमेंट मस्ट रिक्वायरमेंट में से एक है कि जो बंदा भी होलसेल कर रहा है, जो भी क्लाइंट आपको होलसेल कर रहा है, उसको वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है। सो अगर वो बनानी आपको आती है तो आप आराम से महीने का जो है, अगर आपको दो क्लाइंट भी मिल जाता तो आप महीने को 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये ईजिली इस चीज़ से अर्न कर सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड जो है वो आपका ये सोर्स है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आता है फिर LLC क्रिएशन है। ये चौथा तरीका होता है अर्निंग का होलसेल के अंदर ही, कि आपको LLC क्रिएशन अगर आती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें मस्ट हैं। अगेन देखें, एक क्लाइंट जो है ना, होलसेल का जो क्लाइंट है, वो जब भी आपके पास आएगा उसको LLC तो लाजमी बनवानी ही बनवानी है। ये पॉसिबल ही नहीं कि उसके बाहर काम कर सकता है, क्योंकि होलसेल की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्लाइंट आ भी रहा है, अच्छा फिर आपको ना अगर क्लाइंट नहीं भी आ रहा तो सिर्फ आप LLC की ही सर्विस दे सकते हैं, सिर्फ LLC की सर्विस देकर भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो ये चार पांच तरीके होते हैं अर्निंग के। अच्छा जी, पर्पस क्या है, इंटर्नशिप का पर्पस क्या है? तो इंटर्नशिप का जो पर्पस है वो क्या है कि हमने चीज़ों को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। थ्योरी तो जाहिर है थोड़ी बहुत जो होती है वो होगी, लेकिन हमने चीज़ों को प्रैक्टिकल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आई थिंक जवाब ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझाना कि ये चीज़ कोर्स से डिफरेंट किस तरह होती है, मतलब ये जो इंटर्नशिप है ये कोर्स से क्या फ़र्क होता है, कोर्स में और इंटर्नशिप में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए गाइज, अब यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से कोर्स किया हुआ है, ठीक है। जहाँ से भी किया हुआ है अच्छी बात, आप लोगों ने अगर कर रखा है तो। इंटर्नशिप जो होती है ना वो हमेशा कोर्स के बाद होती है, ठीक है। कोर्स के बाद इस तरीके से होती है कि कोर्स जो होता है ना वो होता है तकरीबन 2.5 मंथ का, 2 मंथ का या 2.5 मंथ का होता है। उसमें तकरीबन 16 से 20 आपके डिटेल्ड लेक्चर्स होते हैं, और उसका जो कॉन्टेंट होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क हो गया। ओके जी, सो कोर्स जो होता है ना वो डिटेल होता है, वो 2.5 मंथ का होता है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग शामिल होती है। कोर्स का कंटेंट मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो अगर आपने जहाँ से भी आप लोगों ने, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोग अगर इंटर्नशिप के लिए आए तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने कोर्स कर रखा होगा, ठीक है। अब ये देखना है कि आपको किस लेवल का करवाया गया है। मेरे माइंड में जैसा कंटेंट है, वैसे कोर्स का जो कंटेंट है वो अलग होता है, और वो खैर मैं टीम से कह दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर भी देंगे। उसमें ये होता है कि आपको A to Z हर चीज़ का पता होना चाहिए, कि अकाउंट हैंडलिंग क्या होता है, अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंट बनाए किस तरह जाते हैं, सेलर अकाउंट क्या होता है, बायर अकाउंट क्या होता है, ठीक है, टीम बिल्डिंग अप क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है। इसके अलावा जो है आपको सस्पेंशन का पता होना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि अकाउंट बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, अगर हो भी जाते हैं तो किस कितनी टाइप्स की सस्पेंशन होती हैं, वायलेशन होती हैं, किस तरीके से आप उनको डील करते हैं, आप उनको हैंडल करते हैं, अपील राइटिंग क्या होती है, ये जो तमाम चीज़ें होती है ये कोर्स का पार्ट होती है, कोर्स का कंटेंट होती है। अब अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि सर ये तो हमें नहीं सिखाया गया, तो जाओ जाओ उन लोगों के पास जिन्होंने आपको आपसे पैसे लिए हैं, और उनको जाकर पकड़ो, उनसे कहो कि ये चीज़ें हमें सिखाओ, बस इसका और कोई हल नहीं है। मुझे बताओ इसके अलावा और क्या हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने 45,000 50,000 पे कर दिया है, और आप जो बातें कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं है हमें, ये तो बताया ही नहीं गया। और मैं उनसे कहता हूँ बेटा मुझे बताओ कि मैं आपको क्या सलूशन बताऊँ इस चीज़ का, ठीक है। यही एक सलूशन हो सकता है ना कि जहाँ से आप लोगों ने सीखा, जहाँ पर आपने पैसा ज़ाया किया, आप उनके पास जाओ अब और उनसे कहो कि सर कुछ तो करवाए ना, ये आपने सिर्फ हमें क्राइटेरिया बता दिया था, इससे क्या होता है, इससे क्या हम अमेजोन के एक्सपर्ट बनेंगे, इससे हम अमेजोन के ऊपर कारोबार करेंगे, दूसरे के इन्वेस्टमेंट को संभालेंगे। मतलब आई नो कि आप लोगों को लग रहा होगा, टू बी ऑनेस्ट अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर गुस्सा क्यों है, और ये जो एग्रेशन आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा क्यों है, ये भी एंड में मैं आपको समझाऊंगा, इस चीज़ को आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा हाँ, कोर्स जो होता है वो रिटेल होता है, इंटर्नशिप जो होती है इसके अंदर हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये 100% प्रैक्टिकल होगी, ये 1 मंथ की होगी, ठीक है, 1 मंथ इसका टाइम पीरियड होगा,
और इसमें 8 से 10 लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स होंगे वो पर वीक हुआ करेंगे, 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे आप लोगों के, और एक क्यू एन ए हुआ करेगा, मतलब उन्हीं एक एक मेन लेक्चर होगा आपका और एक क्यू एन ए होगा, ठीक है, जिसमें लाइव हम आपको लेंगे और आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या जॉब ऑफर की जाएगी? तो यस, जॉब ऑफर की जा सकती है, लेकिन जो के टॉप का स्टूडेंट होता है, ठीक है, जो रेगुलर भी होता है और उसका एक पूरा टीम जो है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन आपके लिए पूरी टीम काम कर रही होती है, उसकी हर एक चीज़ के ऊपर नजर होती है, टीम के कौन बंदा एक्टिव है कौन नहीं है, तो जो स्टूडेंट हमें लग रहा होता है कि हाँ ये मोस्ट एक्टिव है और ब्रिलियंट है, देखा वो कहते हैं कि जहीन इंसान जो होता है ना, जो एक जहीन इंसान होता है, ब्रिलियंट इंसान होता है, वो नजरों में आ जाता है, उसको पता होता है कि उसे नजरों में किस तरीके से आना है, ठीक है। तो जाहिर है कि कोई भी इंसान जो चाहेगा, कोई भी कंपनी जो होती है वो यही चाहती है कि इस तरह के लोग उसके साथ शामिल हों, तो हम भी उनको फिर ऑफर करते हैं, वो फिर जॉब की नौीयत क्या होती है, किस तरीके की होती है, वो फिर एक जाहिर को उनको बताया जाता है, लेकिन ये कि उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ओके जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आप सब लोगों के माइंड में होगा कि सर ये जो इंटर्नशिप है ये फ्री में ऑफर क्यों की जा रही है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इदारे को क्या फ़ायदा होगा, चले आपको तो इतना सारा फ़ायदा आपको पता चल गया होगा अब तक कि आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अब इस पॉइंट पर आकर मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की वो कहानी बन भी जाए, मेरी तो दुआ भी है और कोशिश भी है। सो स्टोरी कुछ इस तरह है कि बैक इन 2019 मैंने स्टार्ट किया अमेजोन कोर्स स्टार्ट किया, और जाहिर है कि मुझे उस वक्त पता कुछ भी नहीं था अमेजोन का, ABC भी नहीं आता था कि अमेजोन है क्या, ठीक है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था कि चीज़ें क्या होती हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया जी, अब एक इदारे में, एक इदारे का देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था, उनकी कहानियाँ भी बहुत सारी देखी उस टाइम पढ़ने के, जी हमारे इदारे से सीखने वाले इतने कामयाब हैं, इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, इतनी अर्निंग है, ये है वो है, तो जाहिर है कि हर बंदे को मोटिवेशन होती है, इस ये ख्वाहिश सबकी होती है, जो कि गलत भी नहीं है, हर बंदा कमाना चाहता है, हर बंदा जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं ना, ख्वाहिश होती हैं, आपके ख्वाब होते हैं। कुछ ऐसा ही था कि मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, 44,000 उनकी फीस थी जो कि पे भी कर दी थी, ठीक है, 44,000। अब उन्होंने कहा कि जी आपको VA बनाया जाएगा, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि मुझे आप अभी क्या नॉलेज ना देखें, आप उस टाइम पर एक नए बंदे को कंसिडर करें, हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रही है, हमने कहा ठीक है जी VA होता होगा कुछ, उन्होंने कहा जी VA है और आपको PL सिखाया जा रहा है क्योंकि अमेजोन के ऊपर PL चलता है प्राइवेट लेबल, ठीक है जी, स्टार्ट हो गया काम, स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने कहा कि आपका 2 महीने का कोर्स होगा जिसमें PL प्लस होलसेल दोनों करवाया जाएगा। 1.5 मंथ तक उन्होंने हमें हंटिंग करवाई, प्रोडक्ट हंटिंग, क्राइटेरिया बताया, मतलब बेसिक जो होती है वो समझाई कि SN क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, ये 4-5 बातें जो होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं वो बता दिया, अमेजोन का इंटरफेस थोड़ा सा दिखा दिया, उसके बाद फिर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बता दिया कि ये क्राइटेरिया होते हैं, समझा दिया, और उसके बाद कहा कि जब आप लोग हंटिंग स्टार्ट कर दें, हम तकरीबन 40 स्टूडेंट थे वहाँ पर, 40 हमारे स्टूडेंट का ग्रुप था, क्लास थी हमारी, मेल्स भी थे फीमेल्स भी थी उसमें, और मतलब मेरे साथ जो 2-3 लोग थे ना, मैं अगर आप उनको उनका बताऊं तो उनमें से एक बंदा वो था जो कि कहीं जॉब कर रहा था, एंड वो बंदा क्योंकि सैटरडे संडे को 2 दिन हमारी क्लास होती थी हफ्ते इतवार को ना, और उसने ना हफ्ते हफ्ते की उसकी ऑफ होता नहीं था, वो करके आता था, उसकी सैलरी कटती थी, ठीक है, पहले भी वो सिर्फ 15,000 रुपये वहाँ से ले रहा था, पूरे महीने काम करने के बाद उसको 15,000 मिलता था, और वो भी जाहिर के करता था, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ आ रहा था कि जी मैं यहाँ से शायद कुछ कमाना स्टार्ट कर दूंगा। उसने उसी काम के लिए अपने दोस्त से उधार लेकर, ये बात उसने मुझे बाद में बताई, उसने पैसे लेकर लैपटॉप भी बाय किया और तमाम चीज़ें बाय की, ठीक है। खैर इस तरह के और भी बहुत सारे लोग थे, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो जाहिर है कि मैंने भी अपने ही पॉकेट से पे किए थे, और मेरी मेरी कोशिश यही थी, और उस वक्त जो मैंने सोचा था तो बेहस वो यही था कि जी मैं घर वालों को बताता नहीं हूँ, जब अर्निंग आना स्टार्ट होगी तब उनको बताऊंगा, यू नो आप इस तरह चीज़ें सोचते हैं, तो मैंने अपने पास से ही पे किया था, जो अपनी सेविंग्स थी बेसिकली। तो अब कर दिया, जाना स्टार्ट कर दिया, जून जुलाई का महीना था, गर्मी में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ हमें हंटिंग क्राइटेरिया बताया, 2 महीने 1.5 महीना तक उन्होंने हंटिंग पर लगाए रखा, उसके बाद जो 1-2 लेक्चर जो वो होलसेल के हुए, और उसके बाद कहा कि जी ठीक है अब आपका कोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है, 1 लेक्चर होलसेल का, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी आप लोग इंटर्नशिप करेंगे आपको आइडिया होगा होलसेल चीज़ क्या है और कितनी डेप्थ है इसके अंदर, ठीक है, उन्होंने हमें सिर्फ एक एक लेक्चर के अंदर होलसेल करवाई कि जी ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये इनका टेम्पलेट होता है, ये आप लोग भेज दिया करना और यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमें जाहिर है कि अगेन वही बात है कि जब आप बिल्कुल नए होते हैं ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितना मेंटोर आपका, आपका ट्रस्ट तो आपके मेंटोर पर होता है, वो जो बता रहा है आपको लगता है बस इतना ही है। अब जब हम मार्केट में निकले, मतलब करने के बाद उस वक्त तक 3-4 दोस्तों से वहाँ पर 3-4 दोस्त बन गए थे, ठीक है, हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था और हम हमारी एक टीम सी बन गई थी, एक छोटी सी टीम बन गई थी, तो हमने करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने हम निकले मार्केट में, जब आए मतलब हमने देखना स्टार्ट किया, हंटिंग स्टार्ट की, क्लाइंट हंटिंग, तो क्लाइंट जो थे वो मिलते नहीं थे,
बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर अगर एक दो मिल भी रहे तो उनका सबसे पहला सवाल ये था कि जी आपकी आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ आप काम करते हैं, कोई सीनियर आपके साथ है या नहीं है। फिर उनके बड़े टेक्निकल सवाल, जाहिर है कि एक बंदा जो 40-50 लाख रुपए लगा रहा है, मैं पीएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बंदा आपके ऊपर 40-50 लाख लगा रहा है वो ये सवाल तो करेगा आपसे। अब हमारे पास कोई जवाब होते नहीं थे, ठीक है, हम मेंटोर के पास गए तो मेंटोर ने कहा कि जी बस आपके साथ अब जो आपको करवा दे करवा दे, आप लोगों ने खुद ही करना, मेरी तरफ से कोई हेल्प की उम्मीद ना रखना, ठीक है। सीनियर्स जो थे वो भी नहीं मुड़ आते थे, वो कहते कि हम क्यों करवाएं, हमारा क्या फायदा है इसमें, क्लाइंट आपका, आप लोग खुद देखो, ठीक है। अब क्लाइंट कह रहा है आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाओ, अपने अकाउंट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, आपका एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है, हमारे पास कुछ था नहीं। बहरहाल फिर खुद से लर्निंग स्टार्ट की, खुद से सीखना स्टार्ट किया। 6-7 महीने तक हमारी ये स्ट्रगल जारी रही, जिसका आप कहने के जीरो रिजल्ट था। और जितने भी बाकी लोग थे हमारे क्लास में, हम उनसे रब्ता करते थे तो वो भी लोग भी डिसअपॉइंट हो चुके थे उस टाइम तक। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था, कुछ अपने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। हम 3 लोग लगे हुए थे लगे हुए थे लगे हुए थे, लेकिन इन द एंड हाउस मिलने की मायूसी जो है वो ज्यादा हो गई थी और तकरीबन छोड़ने ही वाले थे। उस टाइम पर हमने एक पोस्टर देखा जिसमें वो फ्री इंटर्नशिप करवा रहे थे और होलसेल की इंटर्नशिप थी। तो हमने, आई डोंट नो कि हमारे माइंड में क्या आया, तो हमने कहा कि चलो ज्वाइन कर ही लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं अगर फ्री है तो। अब जाहिर है कि हम उसमें एनरोल हो गए, एंड वो पॉइंट था, एंड मैं हमेशा सोचता हूँ कि पता नहीं खुदा ने वो कहता ना कि अगर अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा आपको दिखा भी देता है। तो शायद ये वही चीज़ हमारे साथ हुई कि वो पीएल से अगर हम नहीं भी कामयाब हो रहे थे या नहीं कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था उसमें, तो वो होलसेल का हमारे पास रास्ता खुला। एंड वो जो मेंटोर थे वो बहुत कमाल थे, उन्होंने सिखाया, इंटर्नशिप के अंदर बताया बहुत सारी चीज़ें, हमें क्लियर सारे कोर्स हमने किए हुए थे तो वो चीज़ें हमें सिखाई। वहीं पर ही मुझे अपना पहला क्लाइंट मिला होलसेल का, जिससे मैंने आपको बताया कि 250 डॉलर जो है वो सैलरी ली थी मैंने पहली, और बाकी जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो सारे के सारे फिर हमारी टीम बन गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टीम बढ़ना शुरू हो गई, और फिर आज ये आपके सामने जो भी है। तो हमारे सामने भी ना ये, मैं मतलब जो हम उन मेंटोर से सीख रहे थे जो हमारे होलसेल वाले थे जो फ्री करवा रहे थे हमें, तो जब वो आखिरी लेक्चर था हमारा, हम सबके माइंड में चीज़ होती कि सर को हमारे से क्या फ़ायदा हो रहा है, सर हमसे क्या फ़ायदा ले रहे हैं। तो जब हमारा आखिरी लेक्चर था ना, सर ने कहा कि देखो बेटा आप लोगों ने ना सीखा है, एंड मैं जानता हूँ कि आप में से 90% जो स्टूडेंट हैं वो किन हालात से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे, और एक वक्त ऐसा था जब यही हालात मेरे ऊपर भी थे। ये मेरे सर के अल्फाज हैं कि एक वक्त ऐसा था जब ये हालात मेरे ऊपर भी थे, कोई बताने वाला होता नहीं आपको, तब मुझे किसी ने सपोर्ट किया, तब मुझे किसी ने गाइड किया, मुझे किसी ने सिखाया, मेरी जो कामयाबी स्टार्ट हुई वो वहां से हुई। तो मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मैं एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो ये काम मैं आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। आप लोगों को जो फ्री में सिखाया गया है तो ये सिर्फ एक वादा है जो मैंने अपने मेंटोर से किया था कि मैं आगे लोगों को सिखाऊंगा और फ्री में उनको सिखाऊंगा। मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, तो मुझे आप लोगों से, अगेन ये मेरे सर के अल्फाज हैं कि मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि आप में से जो भी कामयाब हो जाए किसी भी पॉइंट पर वो चला जाए, अगर उसको लगता है कि अब वो आगे सिखा सकता है, तो इस चैन को आपने नहीं टूटने देना, आपने आगे सिखाना है। सो इसी पॉइंट पर अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, तो मुझे आप लोगों से सिर्फ ये वादा चाहिए कि आप लोग जब सीख जाएं, जब आप लोग कामयाब हो जाएं, आप किसी पॉइंट पर पहुंच जाएं, आपको लगे कि हाँ अब मैं स्टेबल हो गया हूं, तो आपने आगे सिखाना है, बस इतना चाहिए आपसे। सिर्फ ये प्रॉमिस आपसे चाहिए कि जब आप लोग किसी काबिल हो जाएं, जो कि मेरी कोशिश भी होगी, मेरी दुआ भी आप लोगों के साथ है, बाकी आप लोगों को अपना हार्डवर्क भी होगा, तो आपने इस चैन को टूटने नहीं देना, ये चैन चलती रहनी चाहिए। आप लोगों ने आगे लोगों को क्या करना है, सिखाना है। इस इंटर्नशिप का सिर्फ इतना पर्पज है ऑब्वियसली, और कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। ठीक हो गया जी, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड बाकी जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इंटर्नशिप किस तरीके से चलने वाली है, हम क्या करेंगे इस इंटर्नशिप के अंदर, तो लेक्चर्स मैंने जैसा आपको बताया कि 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और देखें अगेन वो चीज़ है ना कि अब आप, बल्कि हाँ मैं शायद आपको बता दूँ कि अब आपको शायद समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों उस चीज़ के ऊपर बार बार एम्फोसाइज भी कर रहा था कि मेंटोर सपोर्ट ज़रूरी होती है, चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सीखना लाजमी, कॉन्टेंट डिलीवर करना लाजमी होता है। तो यही चीज़ है, तो इसी को कंसिडर करते हुए हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक दिन आप लोगों का लेक्चर होगा और एक दिन आप लोगों का Q&A सेशन होगा डायरेक्ट मेंटोर के साथ, ठीक है। मेंटोर डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और मेंटोर भी हो सकते हैं, जाहिर काफ़ी बड़ी टीम है, ठीक है, फिलहाल तो मैं आपके सामने हूँ लेकिन बाकी मेंटोर्स भी हैं। तो जो भी होगा Q&A सेशन आपका हुआ करेगा, मतलब एक दिन आपको जो आपने सीखा है आप उसके बारे में जो भी आपके माइंड में सवाल हैं आप डायरेक्टली मेंटोर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जूम पर होगा, वो भी जूम पर हुआ करेगा, लाइव होगा। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप एक ऑडियंस के सामने बोल सकते हैं, आप बात करेंगे, और देखें जब आप इस फील्ड के अंदर हैं तो बोलना तो पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी लर्निंग भी होगी, आपके माइंड में कोई भी सवाल आते हैं आप वो मेंटोर से पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे, ठीक
ठीक हो गया जी, इस तरीके से वर्क करेगा। बाकी स्केड्यूल वगैरह जो है वो टीम आपके साथ शेयर कर देगी, एंड रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाया करेंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाया करेंगी ताकि आप लोगों को बाद में रिवाइज इस चीज़ को कर सकें, जो कॉन्सेप्ट आपके रह गए आप उनको बार बार देख सकें। इसके अलावा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर 24/7 सर्विस मौजूद होती है, आप जो भी सवाल करेंगे वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप पूछेंगे वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। आप लोग जाहिर के Q&A सेशन तो होना ही है। ठीक हो गया जी, अगेन जितना मैं कर सकता था अपनी हैसियत के मुताबिक मेरा मेरा है कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अपने एंड पर जितना मैं आप लोगों को कंफर्ट दे सकता हूँ, जितना सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आइंदा आई गेस अभी तक शायद इतना ही कर सकता हूँ। तो बाकी यह है कि मेहनत करें और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं, ठीक है, उनका फ़ायदा उठाना सीखें उन चीज़ों से और करना सीखें। ठीक हो गया जी, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। एंड आप लोगों के अगर माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 4 मिनट बाकी हैं और उसके बाद फिर जो है हम इनकी प्रॉपर क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लाइंट हंटिंग पर थोड़ी सी देखें, क्लाइंट हंटिंग हो गई, बाकी जितने भी हैं ना ये सारे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हमारे प्रॉपर लेक्चर्स होंगे। ठीक, क्लाइंट हंटिंग क्या होती है, क्लाइंट आपसे जो सवाल करते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से डील करना है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो तमाम चीज़ें। इंटर्नशिप के साथ प्रैक्टिकल होगा जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल बेस्ड ही मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ऊपर चले जाते हैं तो जिनके मेरे सामने आ रहे हैं, मैं हूँ, एक सेकंड, ये अपवर्क वाला था, अपवर्क एंड फाइवर गिग रैंक्स करना ही बताएंगे आप। अच्छा जी, अपवर्क और फाइवर का अगर मैं आपको बताऊँ, लेकिन खैर ये चीज़ हमारी क्लाइंट हंटिंग में ऐसी चीज़ शामिल है, लेकिन चला मैं आपको अभी इसका जवाब देता हूँ। अपवर्क जो है ना, अपवर्क पर और फाइवर पर, खासतौर फाइवर के ऊपर आपने वर्क नहीं करना है। ठीक है, फाइवर के ऊपर मैं तकरीबन अपना 20,000 वेस्ट किया था। ठीक है, 20-30,000 हम लोगों ने ज्वाइंटली वेस्ट कर दिया था, क्योंकि देखा रैंक पहली बात तो एक होता नहीं है उसके ऊपर आप रैंकिंग, क्योंकि जब तक आप अपने गिग को रैंक नहीं करवाएंगे उसका फायदा होता नहीं। फिर रैंकिंग का मसला ये कि आपको कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी प्रोफाइल जो रैंक हो भी जाएगी। फिर क्लाइंट आपके पास किस टाइप का आएगा, हो सकता है कोई कोई छोटा क्लाइंट आ जाए, हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए प्रोडक्ट करवा उसके बाद चला जाए, कोई परमानेंट क्लाइंट का होता नहीं है। तो फेसबुक जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम इस चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करें। ओके जी, बाकी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग करते रहेंगे और जल्दी हम जो है वो इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टाइमिंग जो है और लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन है, बाकी तमाम चीज़ें भी स्केड्यूल है पूरा, वो आपके साथ टीम शेयर कर देगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।